दोस्तों मुझे जोमेटो से 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाना है। मैम काफी देर से मैं कॉल कर रहा था। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों मुझे जोमेटो से 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाना है और मुझे अपनी सिस्टर की शादी में देना है। आज हमारा डे 7, टाइम हो रहा भाई 11:38। आज हम अपनी आईडी भाई 11 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू काम करने वाले है। तो इसमें अभी हमारे पास में एक भी ऑर्डर नहीं आया है। हमने अपनी आईडी 11 बजे ऑन की है। 40 मिनट हो गए मुझे आईडी ऑन करे हुए। इसमें भाई 8 गिग बुकिंग है। आज हमारे लिए भाई 250 रुपए का इंसेंटिव मिल रहा है। 8 गिग कम्प्लीट करना है, 18 ऑर्डर कम्प्लीट करने हैं। सही पैसा हो गया भाई। फर्स्ट ऑर्डर का इंतजार करते हैं, देखते हैं भाई कितने टाइम में हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर आता है। दोस्तों भाई उधर से उधर बैठ रहे हैं, हमारे पास में ये ऑर्डर ही नहीं आ रहा है आज भाई, पता नहीं क्यों। देखो भाई 11:50 हो गए भाई। भाई सुबह बहुत ही बारिश हुई थी, बहुत ही तेज बारिश हुई थी। अभी भी पानी भरा हुआ है साइड से। देखो भाई, देखो यहाँ पे केवल मात्र एक ही राइडर है भाई, यहाँ पर कोई भी ना है। देखो भाई दोस्तों काफी टाइम वेट करने के बाद भाई पहला ऑर्डर हमारे पास में आ गया है। 47 रुपए का भाई ऑर्डर आया है। इसकी पिकअप लोकेशन तो भाई पास से ही है और ड्रॉप लोकेशन है 5.52 km। तो भाई इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, समोसा पार्टी से है तो इसको रीच यहीं पर कर देते हैं। रेस्टोरेंट भाई यहाँ पर ही है। तो इसमें भाई 9 मिनट दिखा रहा है, 9 मिनट वेट करना है। 9 मिनट के बाद भाई ऑर्डर रेडी होगा और ऑर्डर इसके पीछे से पिकअप करना है। तो बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है हमने। तो भाई काफी देर से यहाँ पर ही बैठे थे, हम सोच रहे थे ऑर्डर आ जाए आ जाए। 11:57 पे आया है पहला ऑर्डर भाई, आज लेट आया है। हो सकता है भाई ऑर्डर फील्ड में कम हो। आज ऑर्डर भाई रेडी हो गया है 6 मिनट लेट करने के बाद में। चलो भाई पिकअप करते हैं। 58:64 दे दियो भाई। लो भाई इसको हमने पिकअप कर लिया है। भाई यार तबीयत ठीक नहीं है कुछ, मतलब सिर में दर्द हो रहा है, सर्दी है थोड़ी बहुत। सेक्टर 100 में देना है भाई। चलो भाई ऑर्डर तो रख लिया, इसमें सेट कर लेते हैं मोबाइल। चलो भाई अब चलते हैं। चलो इसको भाई फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों हम आ गए भाई एंट्री गेट पर, एंट्री करा लेते हैं भाई। भाई एंट्री कर दियो बाथरूम, यहाँ पर ही ऑर्डर देना है। बाइक यहाँ पे खड़ी कर देते हैं भाई, कॉल लगा लेते और इसको ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं भाई। हम 47 रुपए मिले हैं भाई, नेक्स्ट कर देते हैं। न्यू ऑर्डर का भाई वेट करते हैं। कस्टमर कॉल नहीं उठा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, मैंने भाई बैल बजा दी जाके। दूसरे ऑर्डर का वेट करते हैं। चलो इधर से चलते हैं बाहर। 46। दोस्तों दूसरा ऑर्डर हमारे पास में भाई आ गया है 47 रुपए का और इसकी पिकअप लोकेशन भाई 1 किलोमीटर है और भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है 5.5 किलोमीटर। कर लेते हैं भाई इसको हम एक्सेप्ट। सेक्टर 49 से भाई पिकअप करना है, केक का ऑर्डर है। चलो भाई चलते हैं भाई, हनुमान मूर्ति के बराबर में ही है भाई रेस्टोरेंट। यहाँ पर भाई बाइक लगा देते हैं, ऑर्डर करना है भाई फर्स्ट फ्लोर से पिकअप यहाँ से भाई। देखते हैं रेडी है नहीं है भाई। 11 मिनट दिखा रहा है भाई, 11 मिनट वेट करना है उसके बाद रेडी होगा ऑर्डर। भाई रेडी हो गया है, चलो भाई इसको पिकअप करते हैं। देखो भाई और फर्स्ट फ्लोर देखो भाई कितने ऊपर है, इसमें फर्स्ट फ्लोर से लाना है भाई। देखियो भाई फर्स्ट फ्लोर कितने ऊपर है। ओ भाई ओ हो हमको सिखा रही है। चलते रहो भाई। 28:06 दियो भाई। 28:06 हो गया भाई पिकअप। चलो भाई ऑर्डर पिकअप हो गया, को भाई डिलीवर करते हैं दूसरा ऑर्डर। भाई कितने टाइम बाद रेडी किया है भाई, कम से कम 11 मिनट दिखा रहा था, 15 मिनट ले लिए। किसी रेस्टोरेंट पर चले जाओ भाई, जितने मिनट दिखाएगा उससे ज़्यादा ही लेते हैं। इसको भाई टांग के लेके जाना पड़ेगा। लो भाई अब चलते हैं, इसको हमने टांग लिया है ठीक तरीके से। अब ये भाई हमने इस तरीके से रख लिया, अगर हिलेगा जुलेगा ना तो भाई ख़राब नहीं होगा। भाई ख़राब हो जाता है उसमें, बैग में रख के टकराता है ना उधर उधर तो ख़राब हो जाता है। आराम में चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट लेट ही तो पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्या है? तो भाई यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक, ये भाई बहुत दूर तक, सेक्टर 51 की मेट्रो तक होगा कम से कम। चलो भाई पार कर लो इसको। हम आ गए भाई लोकेशन पे सेक्टर 71 में। कस्टमर को कॉल करते हैं भाई, केक का ऑर्डर है, बिल्कुल सेफ आया है देख लो भाई। दोस्तों भाई इस ऑर्डर के लिए आध घंटा हो गया, आध घंटे बाद कॉल उठाई है मैम ने। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैम काफ़ी देर से मैं कॉल कर रहा था। मेरा नहीं है ये ऑर्डर, मुझे किसी ने। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम बता रही हूँ किसी ने गिफ्ट भेजा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। चलो भाई इसको डिलीवर कर देते हैं। और कितने मिनट लेट हो गया देखते हैं भाई। 53 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हुआ है, 48 का ऑर्डर, कितना टाइम ले लिया, 1 घंटे में। मान लो भाई 1 घंटे में 48 रुपये मिले हैं भाई, इस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। वो मैम ये कह रही थी मुझे पता नहीं था किसी ने गिफ्ट भेजा है। क्या कह सकते हैं, पसीना आ गया क्योंकि धूप में खड़े खड़े बैक और गर्म हो गई भाई। कभी कभी भाई ऐसे कस्टमर भी मिल जाते हैं जिसमें भाई देख लो कितना टाइम बर्बाद होता है। इसमें भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत ही हार्ड वर्क है, समझ रहे हो। देखो हमारे पास में ये ऑर्डर आ गया, कितने का आया है ये भाई,
₹45 का भाई ऑर्डर आया है और इसकी भाई पिकअप लोकेशन है भाई 2.5 किलोमीटर और भाई ड्रॉप लोकेशन है 5 किलोमीटर। लो भाई कितनी दूर से ऑर्डर आया है, सेक्टर 73 से पिकअप करना है, कर लेते हैं इसको भाई हम एक्सेप्ट। लो भाई ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, चलते हैं भाई। हम आ गए भाई पिकअप लोकेशन पे और देखते हैं ऑर्डर रेडी है नहीं है भाई, ऑर्डर रेडी नहीं है भाई, 7 मिनट वेट करना है। चलो भाई ऊपर चलते हैं पूछने के लिए। भाई 34-81 ये आइटम है ना। हाँ नहीं हो पाएगा। बालों से आप बात कर लो, इसमें 2 आइटम बता रहे हैं नॉट अवेलेबल। ओके ओके ओके। हाँ जी मैम, ये आपका एक नोटंदूर एक्सप्रेस रीजन लॉन्च किया है, उसमें एक ऐड हो गया है चोकलाव केक में, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमने बंद करके भी रखा है। नो अभी तो शो कर रहा है मैम। ठीक है हो गया, ठीक है थैंक यू मैम। लो भाई हो गया कैंसिल। चलो भाई कितने रुपए मिले हैं भाई कैंसिल होने के, देखो भाई कितने रुपए मिले हैं इसमें, 20 रुपए भाई, कैंसिल होने के बाद भी 20 रुपए मिले हैं भाई। आज भाई नसीब ही खराब है, तीसरा ऑर्डर हमारे पास में आया वही भाई कैंसिल हो गया 43 का, आज टाइम बर्बाद ज्यादा हो रहा है। चलो भाई न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं, आ जाने दो भाई। आ गया भाई, कितने का ऑर्डर आया ये, 37 का ऑर्डर आया है। पिकअप लोकेशन है भाई इसकी 2.5 किलोमीटर, ड्रॉप लोकेशन है 3.5 किलोमीटर। चलो भाई एक्सेप्ट कर लिया, सेक्टर 51 से पिकअप करना है भाई। बताओ भाई पिकअप कितनी कितनी दूर भेज रहा है भाई, आज नसीब खराब है भाई। मुझे लग रहा है कैश का ऑर्डर है भाई, अब वो भी भाई बड़ा ऑर्डर है कैश का, ये कम से कम मान के चलो भाई 2000 तक का। आ गए भाई लोकेशन पे, इसी में से भाई अंदर से ऑर्डर पिकअप करके लाना है, देख लेते हैं इसको भाई रीच करके पिकअप रेडी है नहीं है भाई। ये देखो भाई 13 मिनट दिखा रहा है, 13 मिनट वेट कर उसके बाद ऑर्डर रेडी होगा और ये ऑर्डर देना है सेक्टर 76 में। देख लो भाई ये है सेक्टर 51, यहाँ का कुछ नजारा ऐसा ही है। इसके अंदर देखें भाई कैसा क्या है, ये खंडर में है क्या रेस्टोरेंट, इसके अंदर तो भाई काफी जगह है। सुमित राइडर ब्लॉक्स लग गया लॉक, जब तक ऑर्डर रेडी नहीं होता है तब तक पानी पी लेते हैं भाई। दोस्तों ऑर्डर तो भाई हमने दे दिया है, ये भाई कैश का ऑर्डर था 2150, 2200 रुपए में हमने दिए हमारे लिए भाई। इसमें देखो भाई हमारी आईडी बंद हो गई है, 2000 रुपए हम पे कर रहे हैं भाई, इसमें पेटीएम से पे कर दिए हमने 2000। ये देखो भाई 345 भाई हमारे पॉकेट में है भाई, क्योंकि हमने भाई 2000 पे कर दिए भाई। जोमेटो की आईडी चलाओ तो कम से कम बता रहे हैं भाई 5000 रुपए अपना भाई पॉकेट में रखो, ऐसे समझो अकाउंट में रखो भाई, फोन पे में पता नहीं है भाई आपकी आईडी कब बंद हो जाए। ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, लो भाई 3.5 घंटे में 149 का काम हुआ है, बहुत कम काम हो रहा है भाई। दोस्तों अभी हैं भाई हम सेक्टर 50 में और यहाँ भाई कैश का ऑर्डर दिया था हमने 1087 का, तो भाई आज कैश के ऑर्डर बहुत आ रहे हैं हमारे पास में और भाई काम करते करते काफी रात हो गई है और भाई ऑर्डर भी आ गया। लो भाई 51 का भाई हमारे पास में ऑर्डर आया है और पिकअप लोकेशन तो भाई पास से है और भाई ड्रॉप लोकेशन है 5 किलोमीटर, कर लेते हैं भाई इसको एक्सेप्ट। और भाई काफी रात हो गई है हमारे लिए भाई काम करते करते और भाई आपको टाइम दिखा देते हैं कितना हो गया है, 8:53 हो गए भाई और काम कितने का हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। 13 ऑर्डर भाई हमने कंप्लीट कर दिए हैं और भाई 6 गिग कंप्लीट हो गई हैं और 633 का काम हुआ है और 9.5 घंटे 10 घंटे मान लो भाई 10 घंटे हो गए हमारे लिए। आज भाई बहुत ही कम काम है भाई, कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है हमारे लिए ऑर्डर के लिए, आज बहुत कम ऑर्डर आ रहे हैं पता नहीं भाई क्यों। तो ये ऑर्डर पिकअप कहाँ से करना है ये देख लेते हैं भाई। देखो भाई अभी हम पीछे से ऑर्डर दे के आए और पीछे से ही पिकअप करा रहा है, देखो पीछे एक रेस्टोरेंट है वहां से पिकअप करा रहा है। आ गए भाई हम रेस्टोरेंट के पास में, रेस्टोरेंट आपको दिखाएं भाई कहाँ पर है रेस्टोरेंट, पेट्रोल डलवाना है भाई, देखो पेट्रोल बहुत कम है तो रेडी है भाई ऑर्डर, तो भैया ऑर्डर दे दियो। अरे भैया कुछ बता तो दो ये रेडी है क्यों भाई, टाइम लगेगा क्या, आवाज ही नहीं जा रही है भाई इन लोगों को, देख रहा है भाई इतनी देर से आवाज मार रहा है इन लोगों को, आवाज ही नहीं जा रही है। सेक्टर 71 में देना है भाई, यहाँ पर तो भाई दिल्ली बना दिया है, दिन में भी यहाँ पर भाई ट्रैफिक लगा था और रात में भी लगा है। आ गए भाई पेट्रोल पंप पे आ गए, पहले भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं टंकी, इधर सही है भीड़ भाड़ नहीं है रात में भाई। 700 अब ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, केवल 2 मिनट में ही फुल हो गई भाई। चलो भाई एंट्री हो गई, यहाँ पर भाई एंट्री ऐसे ही है, कभी तो दिन में कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी कर लेते हैं भाई, ये ड्रामा है इनका तो। कैश का ऑर्डर है भाई 300 रुपये लेना है, चलो कॉल कर लेते हैं। आपका ही ऑर्डर है, अरे आपका है सर ऑर्डर,
चेंज नहीं, चेंज नहीं है। हाँ यार, यार देख यार, तुम्हें कल ये क्यों? चलो भाई, काफ़ी टाइम हो गया इस ऑर्डर को, हो जाए डिलीवर। कितने का ऑर्डर है? नेक्स्ट कर दिया है, कस्टमर दो बार गए थे। कैश वाले में इतनी दिक्कत होती है, अब कस्टमर को दो बार जाना होता है, बताओ चेंज नहीं है हमारे पास में। चलो वो पे कर रहे थे तो पे कर लो भाई। ऑर्डर आ गया, देखो भाई कितने का आया है। देखो भाई इसमें एक कमी ये आ रही है इसमें सबसे ज़्यादा। देखो भाई इसमें ऑर्डर आ रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको हमें बैक करना है, बैक करने के बाद दोबारा इसको खोलते हैं फिर दिखाई देगा। 43 रुपये का भाई ऑर्डर आया है हमारे पास में, और भाई पिकअप लोकेशन 2 किलोमीटर, और भाई ड्रॉप लोकेशन है 4.1 KM। चलो भाई कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। लो भाई मैकडी से ऑर्डर पिकअप कराया है, और यहाँ से देखो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, इस एरिया में आए ना, सेक्टर 161-56 इधर आए तो भाई मैकडी वाला रेस्टोरेंट जरूर खींच लेता है। अब वो भाई सबसे ज्यादा लेट ऑर्डर देता है, हमारा टारगेट और रह जाएगा भाई। 18 ऑर्डर कंप्लीट करना है, 14 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। मैकडी रेस्टोरेंट पर आ गए, देखिए भाई यहाँ जोमेटो राइडरों की बाइक कितनी लगी है, रेडी है नहीं रेडी है, देखिए भाई भीड़ भीड़ वाल देख लो इस भाई, पर ऑर्डर मिलेगा नहीं, देखो भाई रेडी है। पूछे भाई हटियो भैया 81-61। तो भाई ऑर्डर रेडी है सबका, जितने भी राइडर है। अब भाई किसी का ऑर्डर ना मिल रहा है, देख लो भाई। अब यहाँ पर वेट करो, पता नहीं भाई कितने टाइम तक वेट करना है, पर वेट करो। और टाइम दिखा देते हैं आपको, देखो भाई 9:32। अब देखते हैं भाई कितने टाइम हमारे पास में ऑर्डर मिलता है मैकडी का, ठीक है। देखो भाई इसमें भी टाइम गलत दिखा रहा है, इसमें 7 मिनट दिखा रहा है पर हमारे लिए 10 मिनट हो गए भाई। 81-61 देख लियो भाई, 15 मिनट हो गए ऑर्डर के लिए। ऑक्सीजन है भाई, गजब बेइज्जती है। ऑक्सीजन 81-61 दे दियो भाई, ले भाई 10 मिनट बाद। अरे देख लो भाई मोबाइल ही ले लो, लो मिल गया भाई, मिल गया 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद दिया है भाई ऑर्डर, और आइटम देखो भाई कितना बड़ा है, देखियो केवल एक बर्गर है मात्र। अब कितने राइडर हमसे पहले के खड़े हैं भाई, यहीं को रख ले भाई, इसको ऑर्डर को डिलीवर करते हैं अब, सेक्टर 121 में ही तो करना है। लो भाई पहले एंट्री करा लेते हैं, इधर है B1 टावर, इधर से घूम के आना होगा हमारे लिए। B1 टावर ये है भाई, B1 टावर यहाँ पे खड़ी कर देते हैं भाई। इसके अंदर का नज़ारा देखो भाई कितना मस्त है, देखियो भाई। ऑर्डर कर दिया भाई कंप्लीट, अब भाई लिफ्ट बुला लिए, कौन सी आ रही है, लो भाई सेल्फी मांग रहा है, देखो भाई चलो दे देते हैं सेल्फी। चलो भाई अब चलते हैं, 3 ऑर्डर और कंप्लीट करना है। 72-52 सुमित, सांझ को भाई सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर रहते हैं भाई, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो ऑर्डर का वेट करते करते देखो भाई हम कहाँ आ गए। लो ऑर्डर आ गया, लो पास में 60 रुपए का भाई ऑर्डर आया है, इसकी पिकअप लोकेशन पास से है, और भाई ड्रॉप लोकेशन है 5.77 KM। कर लेते हैं एक्सेप्ट, 13 मिनट वेट करना है भाई इसमें, 13 मिनट बाद रेडी होगा भाई। 6 किलोमीटर चले आए हम खाली, उसके बाद ऑर्डर आया है। सेक्टर 121 में थे हम, फिर 22 में आए थे, सेक्टर 119 में बैठे थे, यहाँ पर बैठ नहीं पाए तब तक ऑर्डर आ गया सुंदर पे। तो ये सामने रेस्टोरेंट है भाई, 13 मिनट वेट करना है भाई, बहुत टाइम बाद दिया है भाई, अभी 2 ऑर्डर और कंप्लीट करना है। ऑर्डर भाई रेडी हो गया है, 13:69 देती हुई है। लो भाई इसको पिकअप करें, हो गया पिकअप भाई, आ गए दोस्तों भाई ड्रॉप लोकेशन पे, यहाँ पर खड़ी करते हैं बाइक, इसको लेकर चलते हैं भाई। टावर 9 पास में ही है भाई, OTP है, चलो बता दो भाई। भाई OTP डाल दियो, 547-419 ये भाई डिलीवर, और भाई नेक्स्ट कर देते हैं, 61 रुपए मिले भाई इसमें। भाई लिफ्ट आ रही है कौन सी, अब भाई 2 ऑर्डर और कम्प्लीट करना है अभी, आ जा भाई जल्दी। 51 का भाई ऑर्डर आया है, इस गाड़ी से पिकअप करना है, रेडी है भाई, चलो पिकअप कर लेते हैं भाई। ऑर्डर दे दियो, 92-52 यही है बस, हो गया पिकअप भाई। लो भाई छोटी छोटी आइसक्रीम है, देख रहे हो भाई। चलो भाई इसके बाद एक और करना है कंप्लीट भाई, सेक्टर 78 में देना है भाई। चलो भाई इसके बाद ये कोई मिल जाएगा बड़े आराम में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। अच्छा टारगेट करना है तो करना है, आज ऑर्डर बहुत कम आए हैं भाई, 1000 रुपए का काम नहीं होगा मुझे लग रहा है भाई। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बढ़ लो भाई बढ़ लो।
आ गए भाई लोकेशन पे, यहाँ पे पहले एंट्री करा लेते हैं भाई। ऑर्डर भाई दे दिया है, इसको डिलीवर कर देते हैं। लिफ्ट बुला लेते हैं, कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है। ये लो भाई 51 रुपए में लिया, नेक्स्ट कर देते हैं, न्यू ऑर्डर का वेट करते हैं। अभी भाई हमारे पास में आधा घंटा है और आधा घंटे में देखते हैं भाई ऑर्डर आता है नहीं आता है। 0 दब देते हैं भाई, लिफ्ट आ गई। आ जा भाई ऑर्डर आ जा, देखो भाई कितने ऑर्डर हो गए, 17 हो गए, एक कम है मात्र। आ जा भाई एक ऑर्डर आ जा, 917 का काम हुआ है भाई, 1000 का होगा मुश्किल से भाई। ऑर्डर आ गया भाई हमारे पास में भाई, 38 रुपए का ऑर्डर आया है और इसकी पिकअप लोकेशन 2.5 किलोमीटर है और भाई ड्रॉप लोकेशन है 3.5 किलोमीटर। एक्सेप्ट कर लिया हमने भाई, चलो भाई इसको पिकअप करते हैं। हो गई बल्ले बल्ले, समझ रहे हो भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लो भाई इस ऑर्डर में दिखा रहा, 4 मिनट वेट करो और रेस्टोरेंट में चल रही है भाई सफाई। देखो भाई सब साफ सफाई में लगे हैं। देखो पूछते हैं एक बार भाई, 3590 कितना टाइम है? कर लिया होगा, हमारा टाइम जो मत ले, हम तो पिकअप करके लेके जाएंगे यार। लो भाई रेडी करा रहे हैं, ऑर्डर रखा है। कहाँ रेडी है भाई, देखियो इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है, देखो ना ना पिकअप हो जाएगा पर शो तो नहीं कर रहा है इसमें। ये कर रहा है काफी देर से रेडी है, यहाँ शो ना कर रहा है। चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं भाई, रेस्टोरेंट वालों ने काफी टाइम ले लिया और हमसे ये कह रहा है कि भाई काफी देर से रेडी है, कैसे समझाए रेस्टोरेंट वालों को। कितने में देना, 71 में। चलो हम आ गए भाई लोकेशन पे, कस्टमर को कॉल कर लेते हैं भाई एक बार। हेलो जी सर, जोमेटो से ऑर्डर आया है आपका, ये हिमांशु नाम। चलो भाई इसको डिलीवर नहीं करेंगे, उससे पहले आईडी बंद कर देते हैं भाई। आईडी ऑफलाइन कर दिए भाई, 12:05 पे भाई ऑफलाइन किए, अब इसको डिलीवर करते हैं। 44 रुपए मिले हैं भाई इसमें, चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट कर देते हैं। हमारे भाई 18 ऑर्डर कंप्लीट हो गए, 0-0 हो गया। देखो भाई 12 बजे के बाद में, चलो भाई कल टारगेट देखते हैं। अब चलते हैं रूम पर भाई, आपको दिखाते हैं टोटल टारगेट हमारा कितना हुआ है, टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है भाई। दोस्तों हम आ गए भाई रूम पर, देखो भाई 12:18 हो रहे हैं आज भाई, दिव्यांशी सो रही है। देखो दिव्यांशी, देखो भाई सो रही है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। दोस्तों हम भाई 12:18 में भाई रूम पर आ गए थे और भाई 1:30 बजे लगभग हम सो गए थे और भाई वीडियो एडिटिंग करने के बाद में लगभग 11 बज गए हैं भाई। और आज भाई आईडी ऑन नहीं करेंगे, आज हमारा कुछ काम है भाई। टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है वो हम आपको भाई दिखा देते हैं। हमने भाई कल 13 घंटे अपनी आईडी ऑन की थी, 13 घंटे में 18 ऑर्डर हमने कंप्लीट किए थे और भाई 1051 की अर्निंग हुई थी, 1051 की भाई 13 घंटे में। तो भाई कल बहुत ही कम ऑर्डर थे, आप लोगों ने देखा था, मैंने वीडियो में बता दिया था, कम से कम भाई आधा घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट ऐसे भाई हमारे लिए वेट करना हो रहा था। कल भाई बहुत ही कम थे फील्ड में ऑर्डर। भाई टोटल अर्निंग हमने आप लोगों को दिखा दी और इसमें भाई ऑर्डर अर्निंग हमारी हुई थी भाई 800 और भाई 250 रुपए भाई ऑफर मिल गया था। तो इसमें भाई अगर हम माइनस कर देंगे भाई 250 तो हमारे लिए भाई 800 रुपया बच गए थे। कितने घंटे में भाई, 13 घंटे में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना और ये टारगेट हम भाई करके मानेंगे, हमने जब रख लिया है तो भाई टारगेट मुझे करना है। दोस्तों प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट हमने भाई रखा है तो हम पूरा करके दिखाएंगे, आज हमारा भाई 7 डे पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।